सनातनी ये माने बिना गति नहीं है, ये मानना ही चाहिए हमको। गति नहीं है ऐसा नहीं, ये मानना ही चाहिए, श्रद्धा पूर्वक मानना चाहिए। बहुत से लोग इतिहास पुराण को बहुत अधिक मान्यता नहीं देते, लेकिन महाभारत के आदि पर्व में लिखा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। भगवान व्यास कह रहे हैं इतिहास और पुराण के द्वारा वेद के अर्थ को समझना चाहिए, वेदार्थ का उपवृंहण, उसको विस्तार से समझने की इच्छा हो तो इतिहास और पुराण का आश्रय लेना चाहिए। जिसने इतिहास पुराण नहीं सुना वो अल्पश्रुत है, और उस अल्पश्रुत से भगवान वेद भयभीत होते हैं, ये मेरे स्वरूप को विखंडित कर देगा, नष्ट भ्रष्ट कर देगा। भारतवर्ष में एक ऐसे विद्वान विचारक उत्पन्न हुए जो वेदों के बड़े भक्त थे, उन्होंने अपने को वेदों का सबसे बड़ा भक्त माना। पर इतिहास पुराण को नकार दिया उन्होंने, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अपने आप को वेदों का भक्त कहने वाले की समझ में आई कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, वेद की दुहाई देने वाला मूर्ति पूजा का खंडन करने लग गया, वेद की दुहाई देने वाला सपिंडी कृत्य आदि का निषेध करने लग गया, वेद की दुहाई देने वाला वर्णाश्रम व्यवस्था का मनमाना स्वरूप व्याख्यायित करने लग गया। वेद की दुहाई देने वाला विधवा विवाह का समर्थन करने लग गया, अब विचार करो वो हैं तो वेद के भक्त, पर ऐसी दुर्बुद्धि उनमें आई कहां से, क्यों आई, कैसे आई? उसका मूल कारण था उन्होंने इतिहास पुराण को आदर नहीं दिया। यदि भगवान व्यास की वाणी इतिहास पुराण का वे आश्रय लेते तो ये दुर्बुद्धि उनमें कभी ना आती। इसलिए महाराज जी हमारे जितने आचार्य हैं, श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री विष्णुस्वामी आचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु, श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी प्रभृति जितने संत भक्त, तुलसीदास जी महाराज, जितने संत भक्त आचार्य हुए, सभी ने वेद को मानते हुए भी इतिहास पुराण का आदर किया, इतिहास पुराण का तिरस्कार करेंगे तो वेद का अर्थ नहीं समझ सकेंगे। भगवान का व्यास रूप में अवतार ही इसलिए हुआ कि वेदों का तात्पर्य इतना गंभीर है, मोहियंत्यत सूरयः, बड़े बड़े सूर्य मोहित हो जाते हैं, इसलिए भगवान ने सोचा कोई उठपटांग अनुसंधान न करने लगे, इसलिए भगवान ने सोचा हम खुद ही वेद भाष्य लिख देते हैं। तो भगवान नारायण ने व्यास रूप में प्रकट होकर के महाभारत के रूप में और अष्टादश पुराणों के रूप में स्वयं वेद भाष्य लिखा। ये मानोगे तभी आनंद आएगा, नहीं तो कुछ से कुछ कहने लग जाओगे, जैसे कोई पागल प्रलाप कर ले ना, ऐसा पागल जैसे प्रलाप आपका हो जाएगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।